अभिवादे अहमस्मि अविनाश पांडेय अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य मन की बात इति कार्यक्रमस्य 26 संस्करणे स्वीय विचारान् प्रस्तोष्यति। प्रत्येक मासे प्रसार्यमाणे कार्यक्रमेस्मिन् प्रधानमंत्री जनसौविध्य विषयान् प्रस्तौति। तस्य साक्षात् प्रसारणम् ऑनलाइन इंडिया दूरदर्शनादि प्रसारण वाहिन्या भवति। प्रधानमंत्री अद्य उत्तर प्रदेश से परिवर्तन जनसभा संबोधयिष्यति। अवसरेस्मिन् श्री मोदी गोरखपुर आनंद विहार रेल स्थानकयोर् मध्ये प्रचालयिष्यमाणं हम सफर रेल यानम कुशीनगरात् प्रस्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पारे सीमातंकवादी क्रियाकलापान अवैध प्रवेश विषयं चालक्ष्य समायोजिते वार्षिक सम्मेलने सहभागित्वार्थं हैदराबाद स्थिते सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय आरक्षी अकादम्यां समवेतान वरिष्ठ आरक्षाधिकारिणः अमिलत्। सम्मेलनात् पूर्वं श्रीमोदी राष्ट्रीय आरक्षी अकादम्यां हुतात्मभ्यः श्रद्धांजलिं समार्पयत्, अथ च सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां कुसुमांजलिं अर्पितवान्। कृषकाणां कृते एकं शुभं वृत्तं। दुग्धवती पशूनां क्रयणार्थम् अथ च एतत् सम्बद्धं वृत्तम् अधिगन्तुं प्रशासनेन ई पशु मेलक इत्याख्यः अन्तर्जाल पुटमेकं प्रारब्धमस्ति। अन्तर्जाल पुटकमिदं जगतः अद्वितीयं पुटकं वर्तते। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू कांग्रेस दलम् अधिक्षिपन् अब्रवीत् यत् तत् प्रशासनाय परामर्शं प्रदातुं नैव प्रोक्तम्। प्रधानमन्त्रिणा व्याहृतं यत् यावन मात्रकं प्रवंचना प्रकरणं मनमोहन प्रशासने संजातं तावत् न कस्यचित् प्रशासनस्य कार्यकाले अभूत्। प्रमुखोद्योगपतिः रतन टाटा प्रशासनस्य विमुद्रीकरणस्य पदक्षेपः त्रिषु महत्वपूर्णार्थिक परिष्कारेषु अन्यतम परिष्कारत्वेन अवर्णयत्। तेनोदीरितं यत् अनेन पदक्षेपेण अवैधधनम् अवरोद्धुं साहाय्यम् अवाप्स्यते। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू गतदिने विशाखापत्तन नगरे आवास कल्याण संघस्य चतुर्थम राष्ट्रीय सम्मेलनम उद्घाटितवान्। सम्मेलने अस्मिन् श्री नायडू व्याहरत् यत् नागरिकानां सहभागित्वं विनैव परिष्कारस्य कश्चिदपि क्रियाकलापः नैवास्ति शक्यः। गोवा राज्यं रुक् रहित राज्यत्वेन विधातुं गतदिने राजधान्यां पणजी नगर्यां गोवा प्रशासनस्य बैंकस्य अधिकारिणां च उपवेशनं सम्पन्नम्। उपवेशने अस्मिन् रक्षामंत्री मनोहर परिकरः सूचना प्रसारण मंत्री राजवर्धन सिंह राठौरश्चापि उपस्थितौ आस्ताम्। राजधान्यां दिल्ल्यां केन्द्रीय प्राशासनिक अधिकरणस्य अखिल भारतीय सम्मेलनं समायोजितम्। सम्मेलने अस्मिन् मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्ति टीएस ठाकुरः न्यायाधीशानां न्यूनता सम्बद्धं विषयम् उत्थापितवान्। गतदिने जम्मू कश्मीरे 90+ स्थानीय युवानः रेजिमेंटल केन्द्रे आयोजिते पासिंग आउट परेड इति प्रयाणे भारतीय सेनायाः कश्मीर लाइट इन्फेंट्री इति गुल्मे सैनिकत्वेन सम्मिलिताः। समारोहे अस्मिन् राज्यस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः समागताः नूतन सैनिकाः देशसेवार्थं प्रतिश्रुताः। गतदिने राजधान्यां दिल्ल्यां इंडिया फाउंडेशन संघटन द्वारा समायोजितस्य वन नेशन वन इलेक्शन विषये एका गोष्ठी समायोजिता। प्रसार भारत्याः अध्यक्षः ए सूर्यप्रकाशः अपि संगोष्ठीं संबोधितवान्। अवैधधनं भ्रष्टाचारं च उन्मूलयितुं प्रशासनेन नीत्यायोगस्य मुख्य कार्यकारिणः अमिताभ कान्तस्य अध्यक्षे समितिरेका संघटिता। समितिरियम् आदान प्रदानं पूर्णरूपेण डिजिटल मञ्चे उपस्थापयितुं कार्यम् आचरिष्यति। क्यूबा देशस्य पूर्व राष्ट्र प्रमुख फिदेल कास्ट्रो गतदिने प्राणान अत्यजत्। असौ 90 देशीयो अवर्तत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फिदेल कास्ट्रो वर्यस्य निधनम अभिलक्ष्य शोकम प्राकटयत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अपि तस्य निधनम अनुशोचितम्। पाकिस्तान प्रधानमन्त्रिणा नवाज शरीफेन लेफ्टिनेंट जनरल जावेद बाजवा पाकिस्तानस्य भावी सैन्य प्रमुखत्वेन नियुक्तः। असौ जनरल राहिल शरीफस्य स्थानं ग्रहीष्यति। हांगकांग ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन स्पर्धा श्रृंखलाया निर्णायक चक्रे पीवी सिंधुना स्थानम अधिगतम। निर्णायक स्पर्धा पीवी सिंधु ताई यू जिंग इत्यनेरु मध्ये समायोजयिष्यते। डीडी न्यूज दर्शकाः समिनयम् ज्ञाप्यन्ते यत् वार्तावली इति साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रमः अद्य मध्याह्ने 12:30 डीडी न्यूज वाहनीतः सायं 8 च डीडी इंडिया वाहनीतः पुनः प्रसारयिष्यते। वेदवाङ्मयं वेदवाङ्मयं अन्यैः सञ्चीयते यत्नादन्यैश्च मधुपीयते।
वार्ता संस्करण में तत्संपद्यते धुना अभिनव वार्ताः समासाद्य पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मंगलम्।